आज तक तुमने मेरी चाची से कोई बात नहीं छुपाई और आज उन्हें बिना बताए रात को घर से जाने की बात कर रहे हो। उस मिमी के बारे में सोचो याकू, जो अपनी माँ से बहुत दूर है। मैं उस मिमी और उसकी माँ दोनों की आवाजें सुन सकता हूँ। वो मिमना अपनी माँ को ढूंढ रहा है और उसकी माँ बहुत दुखी है क्योंकि वो जानती है कि उसके बेटे की बलि चढ़ाई जाने वाली है। मुझे जाना ही होगा याकू। तुम तो जानते ही हो ना, जहाँ यीशु वहाँ याकूब, इसलिए तो मैं मिस्र छोड़कर तुम्हारे साथ साथ यहाँ चला आया। फिर मैं तुम्हें कैसे अकेले जाने दे सकता हूँ? मैं भी चलूंगी यीशु भैया। मैं भी, और मैं भी चलूंगा। और तुम सब मुझसे छोटे हो और मैं तुम सबसे बड़ा, तो मुझे आना ही पड़ेगा ना तुम्हारी रक्षा के लिए। छोटू तू भी साथ चलना। बड़े भैया सही कह रहे हैं कि वो हम सबकी रक्षा करेंगे। उम्मीद है कि परमपिता के आशीर्वाद से हम सभी मेमनों और भेड़ों को बचा पाएंगे। अरे भैया हम पकड़े जाएंगे क्या? यीशु, ये तो याकूब है। याकूब? किसने पुकारा मुझे? कौन है यार? अरे हमें पीछे वाले दरवाजे से जाना था, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी चल 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 चलो चलो चलो। अभी से छुरे की धार तेज क्यों कर रहा है भाई? मुझे तो लगा था कि इन सब की बलि कल देनी है। रब्बी गुरुजी ने सारी भेड़ों और मेमनों को काट छाट करके कल सुबह ही मंगवाया है।
और एक दो नहीं, काफी ज्यादा भेड़े और मेमने हैं, तो आज रात को ही उनका वध करना पड़ेगा। बहुत शोर मचाता है, पहले इसी मेमने को काटूंगा। मुझे माफ कर दीजिए माँ, लेकिन मुझे उस मेमने को बचाने जाना ही पड़ेगा। मन्नू को छोड़ के अब मन्नू कहाँ है नहीं पता। मन्नू, अब चलो, मीना और उसकी माँ दोनों बहुत परेशान होंगे। इसी तरह यहाँ तक तो पहुँच गए हम, लेकिन यहाँ मेमनों को रखा गया, उस जगह का पता कैसे चलेगा, अंधेरे में कैसे ढूंढेंगे। चलो 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 कोई नहीं। चिल्लाता है हाँ, चिल्ला यीशु वो मम्मी, आज तुझे काटूंगा। यीशु, ये लोग तो मेमनों को मारने की तैयारी में, अब हम क्या करेंगे यीशु? लगता है हमें बहुत देर हो गई आने में। जल्दी कुछ कीजिए यीशु भैया, नहीं तो उस मेमने का वध हो जाएगा। कुछ कीजिए ना यीशु भैया।
डरो मत, हम सब तुम्हें छुड़ाने के लिए आए हैं। लेकिन अभी के लिए तुम्हें यहाँ से भागकर कहीं छुपना होगा। जल्दी करो। बहुत शोर मचाता है, सबसे पहले तुझे काटूंगा। चिल्लाकर दिखा ला। और इन सब के बाद इन सब की बलि चढ़ेगी। ये भी बहुत चिल्ला रहे हैं। कूदो और छुप जाओ। ये कहां चला गया? अभी तो यही था। ढूंढो इसको। शिशु, अभी तो चुप कर बच गया ही मेमना, पर हम इन मेमनों और भेड़ों को बाद में कैसे बचा पाएंगे? अरे अरे नहीं नहीं, नहीं बचा सकते। मुझे लगता है हम सबको घर लौट जाना चाहिए, यही सही होगा। चलो। नहीं, हम इन सबको मुसीबत में छोड़ कैसे जा सकते हैं? अरे उनकी वजह से हमारी जान जा सकती है। हमारी जान नहीं जाएगी, आप मेरी बात सुने, हम नहीं जाएंगे। अरे मैं बड़ा हूँ, मुझे अरे, अरे, अगर इन कसाईयों ने हमारी बातें सुन ली ना तो कुछ नहीं कर पाएगी। आप उस मेमने की माँ है ना? चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरी बात सुनो, मुझे लगता है अभी घर जाना चाहिए। सब सुनो मेरी बात, यीशु भैया के कहने के मुताबिक करना है हमें। देख सा, वो सब ठीक कर देगा, समझे? ठीक है। मैं भी आपके बच्चे को छुड़ाकर आपके पास रहता हूँ। कैसे हो यीशु? मैंने सोचा कि तुम्हें मेरी कमी महसूस हो रही होगी, इसलिए वादे के मुताबिक मैं तुमसे मिलने चला आया। यीशु, मैरी, हाँ? क्या हुआ? एकदम से ऐसे लगा जैसे यीशु को मेरी जरूरत है, मुझे उसके पास होना चाहिए। मैं भी जाकर देखती हूँ। मेरी सुनो सुनो सुनो, बैठो। मैरी, मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ। पिछले कुछ दिनों से यीशु के साथ जो कुछ हुआ है उससे बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन अब सब ठीक है। पता नहीं पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यीशु को मेरी जरूरत है और इस वक्त मुझे उसके साथ होना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हें यीशु की चिंता है, पर मुझे तुम दोनों की। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में डर घर कर चुका है, लेकिन उस डर से बाहर निकलकर तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। संयोग की बात है यीशु, आज तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ नहीं है, बिल्कुल अकेले हो तुम। इसे कहते हैं शिकार का खुद शिकारी के पास चल कर आना। मेरे पास एक योजना है, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दी करना होगा। मैं भी तुम्हारी योजना सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ यीशु।
समझ गए ना? हाँ यीशु। अलग अलग दिशाओं में जाकर छुप जाना और मेरे इशारे का इंतजार करना। और तुम लोग वहाँ जाओ, तुम लोग वहाँ जाओ, तुम लोग उतर उधर जाओ। यकूब, बहुत खूब यीशु, दिमाग तो खूब लगा रहे हो तुम यीशु, पर क्या है ना, मुझे तुम्हारी जीत बर्दाश्त नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी योजना में पानी फेरना ही पड़ेगा। किधर गया? किधर गया? ढूंढो उसको। बहुत भुदकता ही है। अब फड़फड़ा, पहले तुझे को काटू। मैंने इस मेमने की माँ से वादा किया है कि मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। इसको बचाने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। अच्छा, मैं जानता हूं कि मां होने के नाते तुम्हें यीशु की बहुत चिंता रहती है और चिंता मुझे भी है उसकी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है कि हमारा बेटा तो ईश्वर की संतान है, हमें विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर है उसके साथ। मैं आपकी बात समझती भी हूं और उससे सहमत भी हूं, लेकिन पता नहीं आज ऐसा क्यों लग रहा है कि यीशु को मेरी जरूरत है और इस वक्त मुझे उसके साथ होना चाहिए। मेरी मेरी बात तो सुनो, यीशु आराम से अपने कमरे में सो रहा है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, और अगर समस्या हुई भी ना तो तुम्हारे ही शब्दों में कहना चाहूंगा कि हर समस्या का समाधान संभव है। आओ देवदूत, तुम्हारा ही इंतजार था, लेकिन तुमने आने में थोड़ी देर कर दी, क्योंकि किसी भी क्षण ये मेमना इस कसाई के चाकू का शिकार बन सकता है और फिर तुम्हारे लाडले यीशु की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बहुत फड़फड़ाता है, पकड़ इसको। राइट, पानी दे। तुम्हें पता है ना देवदूत, मेरे एक बार इस कसाई के कान में फुसफुसाने की देर है और फिर इसका चमचमाता हुआ चाकू मेमने की जगह यीशु के गले पर भी चल सकता है। और कितना गिरोगे शैतान, पहले तुमने अपना यह वादा तोड़ा,
कि तुम यीशु के परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। फिर तुमने उसके बड़े भाई को मारने की कोशिश की। आशिया को इतना परेशान किया और अब इन कसाईयों के द्वारा तुम यीशु को चोट पहुंचाने के बारे में सोच रहे हो। तो मैं क्या करूं देवदूत, मैं मजबूर हूं। ये यीशु भी तो अपनी अच्छाइयों से बाज नहीं आता। जब देखो शैतान की शक्तियों में अपनी टांग अड़ाता रहता है, तुम उससे भी बात करो, उसको भी समझाओ। तुम जानते हो ना देवदूत, जब तक यीशु की सांसें चलेंगी मेरी सांसें अटकी रहेंगी। अच्छा होगा कि यह समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पकड़ इसको।